हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ़ केवी टीचर्स गिल्ड सो स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू रिमेनिंग पार्ट ऑफ चैप्टर व्हाट इफ इट फिनिशेस क्या होगा अगर ये ख़त्म हो जाए पेट्रोल डीजल की बात यहाँ पर हो रही है जिसे हम लोगों को बहुत जुडिशियसली यूज़ करना चाहिए तो इसके स्टार्टिंग के कुछ पेजेस हम लोग एन से रीड कर चुके हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और हमने क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए थे तो जो रिमेनिंग वर्क है वो हम इस वीडियो में करेंगे सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं वी हैव टू स्टार्ट पेज नंबर हंड्रेड एंड फोर्टीन ट्रेजर फ्रॉम द अर्थ अर्थ से ट्रेजर कुछ ट्रेजर निकल रहा है यानी कि कुछ बहुत कीमती निकल रहा है ट्रेजर जरूरी नहीं है कि सोना चांदी ही हो ये भी देखे किस तरीके से ट्रेजर है इट इज नॉट ईजी टू फाइंड आउट वेयर ऑयल इज ये आसान नहीं होता पता करना कि अर्थ के अंदर कहाँ पर ऑयल है डीप डाउन बिलो द अर्थ क्योंकि अर्थ में बहुत गहराई में वो होता है साइंटिस्ट यूज़ स्पेशल टेक्निक एंड मशीन्स टू फाइंड दिस आउट साइंटिस्ट स्पेशल टेक्निक्स और मशीन यूज़ करते हैं पहले तो ये पता करने के लिए कि कहाँ पर आपको ऑयल मिलेगा देन थ्रू पाइप एंड मशीन पेट्रोलियम इज़ पम्पड अप उसके बाद पाइप्स और मशीन से पेट्रोलियम जो है उसको बाहर निकाला जाता है पेट्रोलियम बोलते हैं क्रूड ऑयल जो होता है आपका जो कि निकलता है उसके बाद उसको रिफाइन करके बहुत सारी पेट्रोल डीजल ये सब बनाया जाता है तो पेट्रोलियम को पंप अप किया जाता है बाहर निकाला जाता है दिस ऑयल इज़ स्मेली ये जो ऑयल बाहर निकलता है बहुत स्मेली होता है बहुत स्मेल इसमें से आती है थिक होता है बहुत गाढ़ा होता है डार्क कलर का होता है लिक्विड uh, होता है इट कंटेन मेनी थिंग्स मिक्सड इन इट इसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती है टू क्लीन एंड सेपरेट इसको क्लीन करने के लिए और सेपरेट करने के लिए चीज़ों को अलग करने के लिए दीज इट इज सेंट टू रिफाइनरी इसको रिफाइनरी में भेजा जाता है रिफाइनरी क्या कि आपने किसी का रिफाइनरी का नाम सुना है इंडियन आई ओ सीज आपने सुना होगा एंड बहुत सारी रिफाइनरीज होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही आती है जहाँ पर कि ऑयल को रिफाइन किया जाता है इट इज फ्राम दिस पेट्रोलियम उसके बाद इस पेट्रोलियम से और ऑयल दैट वी गेट कैरोसिन इससे कैरोसिन मिट्टी का तेल जिसे आप कहते हैं मिलता है डीजल पेट्रोल इंजन ऑयल एंड फ्यूल्स फॉर एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट के लिए फ्लू, फ्लू जो फ्यूल है वो भी इसी से ही मिलता है अलग अलग किया जाता है इनको सब मिक्स होता है उस टाइम उसमें डू यू नो दैट एल पी जी जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है जो आपके सिलेंडर में आती है कुकिंग गैस जो है वो भी और वैक्स मोम जो है कोल तार एंड जो रोड बनाने के लिए यूज़ किया जाता है ग्रीस आर ऑल्सो ऑब्ट फ्रॉम दिस ये भी आपको स्क्रूड ऑयल से ही मिलता है इट इज़ ऑल्सो इन मेकिंग सेवरल अदर थिंग्स लाइक प्लास्टिक एंड पेंट्स ये यूज़ किया जाता है आपके प्लास्टिक्स और पेंट्स को बनाने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें इससे बनती है आई स्टार्टड थिंकिंग अबाउट सेविंग ऑयल अब मैंने ऑयल को सेव करने का सोचा है आई रिमेंबर दैट समटाइम्स बाबा कीप्स द इंजन ऑफ द ट्रैक्टर ऑन मैंने कई बार देखा है कि बाबा जो है वो ट्रैक्टर का इंजन ऑन छोड़ देते हैं वाइल डूइंग समथिंग है जब कुछ और कर रहे होते हैं एट टाइम्स द पंप इन द फील्ड इज ऑल्सो लेफ्ट ऑन कई बार जो फील्ड में पंप है उसको भी खुला छोड़ दिया जाता है हाउ मच ऑयल विल बी गोइंग वेस्ट कितना ऑयल हम लोग वेस्ट कर रहे हैं आई थॉट आई वुड श्योरली टॉक टू बाबा वेन आई गेट होम मैं घर जाके बाबा से जरूर बात करने वाला हूँ नाउ देर आर सम क्वेश्चन वॉट कैन वहीकल्स रन ऑन वही है किस किस चीज़ों पर रन ऑन करते हैं तो सी एन जी पेट्रोलियम डीजल इन सब चीजों पर वॉट काइंड ऑफ वहीकल वट काइंड वी फेस हमें किस तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है इफ़ द नंबर ऑफ व्हीकल्स कीप्स ऑन इंक्रीजिंग अगर व्हीकल्स बढ़ते रहे फॉर एग्जाम्पल मोर ट्राफिक ऑन द रोड रोड के ऊपर बहुत ज्यादा ट्राफिक हो जाएगा जैसे कि तो आपको इन दो क्वेश्चन के एग्जाम्प आंसर्स करने हैं तो व्हीकल रन करते हैं कोल पेट्रोल डीजल सीएनजी इलेक्ट्रिसिटी पर भी करते हैं अगर आप देखें मेट्रो एंड ऑल जो आपकी हमारी कुछ ट्रेन भी होती है एंड अगर व्हीकल्स बढ़ते रहे देन मेनी सीवियर प्रॉब्लम विल अराइज लाइक इंक्रीज इन ट्रैफिक जाम ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा होगा रोड के ऊपर छोटे डिस्टेंस जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इंक्रीज़ इन एयर पोल्यूशन एयर पोल्यूशन बढ़ेगा नॉइज़ पॉलूशन बढ़ेगा चांसेज ऑफ एक्सीडेंट्स हैपनिंग ऑन रोड विल हैल्सो इंक्रीज़ एक्सीडेंट्स भी से होंगे अगर आपके व्हीकल्स ज़्यादा होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मनु सेट मनु कहती है वाई डजेंट एवरी वन यूज़ अ बस सब लोग बस यूज़ क्यों नहीं करते वॉट डू यू थिंक वाई डोंट पीपल ट्रैवल बाई बसेज आपको क्या लगता है लोग बस से ट्रैवल क्यों नहीं करते हैं सो आई थिंक पीपल डू नॉट ट्रैवल बाई बसेज फॉर देयर ओन कन्वीनियंस एंड कम्फर्ट अपनी कन्वीनियंस के लिए कम्फर्ट के लिए कौन बस में जाए इतनी भीड़ में तो इसलिए लोग अपने पर्सनल व्हीकल से जाना पसंद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सजेस्ट सम वेज टू डील विद प्रॉब्लम अराइजिंग ऑफ ग्रोइंग नंबर ऑफ व्हीकल्स नंबर ऑफ़ व्हीकल्स बढ़ने से क्या प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए कुछ तरीका सुधा सुझाइए उस प्रॉब्लम से डील करने का और क्या बेनिफिट्स है स्विच ऑफ़ करने के इंजन रेड लाइट के ऊपर अगर आप रोड पर हैं तो कुछ तरीके जो कि आप जो ग्रोइंग नंबर ऑफ व्हीकल्स है उससे डील कर सकते हैं पहला तो पीपल शुड ट्रैवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि बस ट्रेन से नेक्स्ट कार पुलिंग कार पुलिंग में क्या होता है पीपल शुड स्टार्ट कार पुलिंग दो लोग एक ही जगह जा रहे हैं या फिर एक को बीच रास्ते में जाना है तो आप एक कार शेयर कर लीजिए कार कारपूलिंग मतलब कार शेयरिंग एक तरीके से आप अलग अलग कार से जाने की बजाय पर्सनल व्हीकल से जाने की बजाय बहुत सारे लोग शेयर करके जा सकते हैं अगर किसी को ऑफिस जाना है तो आप बीच से लोगों को पिक करते हुए चलिए उसे हम कार पुलिंग कहते हैं इन विच सम फ्रेंड्स और कलीग कैन शेयर अ कार टू रिच देयर डेस्टिनेशन ओके और इंजन को स्विच ऑफ करना क्यों ज़रूरी है स्विच स्विचिंग ऑफ द इंजन ऑफ द व्हीकल एट रेड लाइट ऑन द रोड विल हेल्प टू सेव फ्यूल फ्यूल बचेगा एक तो आपका ही फायदा है एंड कॉज लेस पोल्यूशन पोल्यूशन भी कम होगा उससे फाइंड आउट एंड राइट अभी आपको खुद लिखना है कितना पेट्रोल डीजल एक कार में आप फिल कराते हैं एक बार और कितना लगता है द रेट ऑफ पेट्रोल आर डिफरेंट इन ईच सिटी हर शहर में पेट्रोल के रेट डिफरेंट होते हैं द रेट्स ऑफ पेट्रोल एंड डीज़ल इन दिल्ली आर गिवन बिलो यहाँ पर आपको 2007 के अक्टूबर के तीन अलग अलग साल में 2002, थाउजेंड टू सेवन और फोर्टीन के रेट्स दिए हुए हैं उनको देखिए टेबल को आंसर करिए क्वेश्चन को देखिए 2002 में पेट्रोल ट्वेंटी नाइन पॉइंट नाइन वन रुपीज़ पर आ, लीटर था उसके बाद बढ़ के फोर्टी थ्री पॉइंट फाइव टू हो गया फिर सिक्सटी सेवन हो गया टू थाउजेंड फोर्टीन में आ, ये आपको फाइव इयर्स के उस पर दिया हुआ है गैप पे एंड देन सेवन इयर्स के गैप पे तो क्वेश्चन इन टू थाउजेंड फोर्टीन एज कम्पेयर टू टू थाउजेंड सेवन द रेट ऑफ पेट्रोल वेंट अप बाई टू थाउजेंड फोर्टीन में टू थाउजेंड सेवन के मुकाबले फोर्टीन को कंपेयर करना है सेवन से कितना प्राइस बढ़ गया है किसका पेट्रोल का तो आप सिंपल क्या करेंगे सिक्सटी सेवन पॉइंट एट सिक्स में से

सेवन में से माइनस करेंगे थर्टी पॉइंट फोर एट को तो आपका आंसर आएगा ये आपके आंसर okay? है ट्वेंटी एट पॉइंट फोर नाइन रुपीज़ ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द डिफरेंस इन रेट्स ऑफ पेट्रोल एंड डीजल फ्रॉम टू थाउजेंड टू टू सेवन एंड सेवन टू फोर्टीन सभी का बताना है दो से सात में कितना डिफरेंस हुआ सात से उसमें कितना डिफरेंस हुआ तो पेट्रोल के रेट में डिफरेंस टू थाउजेंड टू टू सेवन थर्टीन रुपीज़ इंक्रीज हुआ है और डीजल के रेट में एलेवन पॉइंट फाइव सेवन रुपीज़ बढ़ा है और डीजल टू थाउजेंड सेवन टू फोटीन तो आई थिंक हम निकाल चुके हैं ट्वेंटी फोर पॉइंट थ्री फोर एंड ट्वेंटी एट पॉइंट फोर नाइन नेक्स्ट क्वेश्चन है मंथ इन वन मंथ हाउ मच पेट्रोल एंड डीजल इज़ यूज इन योर होम और किस लिए आप यूज़ करते हैं आपके घर में एक महीने में कितना यूज़ किया जाता है पेट्रोल ओके आई थिंक वन क्वेश्चन वी स्किप यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन छोड़ दिया ऊपर दो छोड़ दिए हैं वॉट इज द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन योर एरिया ये तो आपको खुद लिखना है अभी आपके एरिया में पेट्रोल और डीजल का क्या रेट चल रहा है पता करके आप लिखेंगे वाई आर प्राइस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल गोइंग अप डीजल और पेट्रोल के प्राइस इतने ऊपर क्यों जा रहे हैं सो द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल आर गोइंग अप बिकॉज इट्स प्रोडक्शन इज़ क्वाइट लेस एज़ कम्पेयर टू कंजम्पशन प्रोडक्शन कम है बन कम रही है चीज़ और कंज्यूम ज़्यादा हो रहा है लोग यूज़ करने वाले ज़्यादा है तो रेट जिस रेट से चीज़ें बनती है और उस रेट से ज़्यादा लोग खाए उसको तो कंज्यूम करें नॉट खाए एग्जैक्टली यूज़ करें एक तरीके से तो डेफिनेटली क्या होगा उसके प्राइस बढ़ ही जाएंगे जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है उस चीज़ के उसके बाद प्राइस भी ज़्यादा होता है जैसे आप अनियन ले लीजिए इस बार अगर अनियन की फसल बेकार हो गई तो कहते हैं ना इस बार तो अनियंस बहुत महंगे हो जाएंगे ओके तो इस तरीके ये है और नेक्स्ट है कि आप किस लिए यूज़ करते हैं अपने घर में पेट्रोल या डीजल तो कितना जनरली यूज होता है ये आपको खुद ही लिखना है नेक्स्ट वेयर एम आई यूज मैं कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता हूँ एक पोस्टर बनाया हुआ है एक बच्चे ने कि फ्यूल कहाँ आप यूज़ करते हैं फॉर ड्राई क्लीनिंग ड्राई क्लीनिंग में यूज़ होता है आपका फॉर लाइटिंग कैरोसन ऑयल जब आप जलाते हैं ये आपने विलेजेस वगैरह में देखा होगा रूरल एरिया में एज पेट्रोल डीजल एंड एरोप्लेन फ्यूल पेट्रोल डीजल और एरोप्लन का जो फ्यूल है वो भी इसी से बनता है नेक्स्ट एज कैरोसिन एंड एल पी जी कैरोसिन आप बर्न कर कुछ स्टोव वगैरह में यूज़ करते हैं एल आपके घर के सिलेंडर्स में यूज होती है टूरन मशीन मशीन्स को मोटर्स को चलाने के लिए उसमें भी तेल यूज होता है इंजन ऑयल भी उसी से ही मिलता है फॉर मेकिंग प्लास्टिक्स एंड पेंट और प्लास्टिक और पेंट बनाने के लिए भी यूज होता है ये पोस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एक अच्छा खासा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है व्हाट आर द यूजेस ऑफ पेट्रोलियम पेट्रोलियम के क्या यूजेस हैं तो पेट्रोलियम पेट्रोलियम और पेट्रोल को कंफ्यूज नहीं करना है पेट्रोल petrol, पेट्रोलियम से बनता है पेट्रोलियम आपका क्रूड ऑयल होता है जो आप अर्थ के अंदर से पंप uh, आउट करते हैं बाहर निकालते हैं उसके बाद उसको अलग अलग चीज़ों में बनाई जाती है उससे ओके तो यहाँ पर ये कुछ यूजेज हैं आपके इनको लिख लीजिएगा आप नेक्स्ट इज व्हाट ऑल इज व्हाट ऑल इज ऑयल यूज्ड ऑयल किस लिए यूज किया जाता है ऊपर आपको बताया जा चुका है एंड व्हाट इज डीजल यूज्ड डीजल किस लिए यूज़ किया जाता है फाइंड आउट करिए तो ऑयल किस लिए यूज़ किया जाता है ड्राई क्लीनिंग के लिए जनरेटर्स में व्हीकल्स को रन कराने के लिए फूड कुक करने के लिए जैसे कैरोसिन हुआ एल पी जी टू रन मशीन टू मेक प्लास्टिक एंड पेंस डीजल यूज किया जाता है आपका कुछ व्हीकल्स में जैसे कार ट्रैक्टर बसेज एंड ट्रक्स जो बड़े व्हीकल्स होते हैं आपके इट इज़ ऑल्सो यूज इन जनरेटर टू जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी नेक्स्ट इज़ दिव्या रोट अ पोएम एंड रीड इट आउट टू आर फ्रेंड्स रीड और डिस्कस पोएम पढ़ लेते हैं जल्दी से आई एम ब्लैक आई एम थिक मैं ब्लैक होता हूँ और थिक होता हूँ बहुत गाढ़ा होता हूँ आई फ्लो और फ्लो करता हूँ हुआ आई एम डू यू नो मैं कौन हूँ क्या तुम जानते हो पेट्रोलियम की ये बात कर रही है आई विल लास्ट लॉन्गर मैं बहुत लंबा चलने वाला हूँ इफ़ यू यूज़ मी विद केयर लेकिन अगर तुम मुझे केयरफुली यूज़ करोगे तभी आई गेट मेड ओवर सेंचुरीज़ मुझे बनने में सेंचुरीज लग जाती है कई सौ साल लग जाते हैं आई वुडेंट ऑलवेज बी देयर मैं हमेशा आपके साथ नहीं रहने वाला हूँ आई लाइट योर लैंप आपके लैम्प को जलाता हूँ आई कुक योर फूड आपके खाने को बनाता हूँ आई रन योर मशीन्स आपकी मशीन को रन कराता हूँ फ्लाई प्लेन्स इन द स्काई मेरी वजह से प्लेन्स जो हैं वो स्काई में उड़ते हैं हु इज़ मोर यूजफुल टू पीपल देन आई मेरे से ज़्यादा यूज़फुल आपके लिए क्या है इफ़ नॉट यूज विद केयर आई वुडेंट ऑलवेज बी देयर एंड फिर यही है ओके okay? नेक्स्ट थिंक एंड डिस्कस सोचिए और डिस्कस करिए व्हाट वुड हैपन इफ़ यू डोंट गेट पेट्रोल एंड डीजल फॉर अ वीक इन योर विलेज और टाउन अगर आपको आपके गांव या शहर में एक हफ्ते तक पेट्रोल या डीजल ना मिले तो क्या क्या आपके क्या होगा तो गांव में अगर नहीं मिलेगा तो लोग कहीं तो खाना नहीं बना पाएंगे बिकॉज स्टोव पे केरोसिन ऑयल से बनता है जला नहीं पाएंगे लाइट नहीं होगी बिकॉज केरोसिन ऑयल मिट्टी के तेल से वहां पर लैम्प जलाया जाता है शहरों में तो बहुत प्रॉब्लम होगी लोग हो सकता है अपने ऑफिस भी ना जा पाए क्योंकि पेट्रोल डीजल नहीं है बसेस नहीं चलेंगी कार्स नहीं चलेंगी आपकी जनरेटर नहीं चलेगा अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो और कहीं जो आपकी छोटी मोटी फैक्ट्रीज है वो तो हो सकता है बंद भी हो जाए नेक्स्ट इज सजेस्ट सम वेज टू सेव ऑयल ऑयल बचाने के कुछ तरीके सुझाइए तो वही है जो अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए कार पोलिंग करनी चाहिए व्हीकल को स्विच ऑफ कर दीजिए अगर आप ट्रैफिक लाइट पर वेट कर रहे हैं पीपल शुड गो टू नियर बाई डिस्टेंसेज पास में जाना है तो बाइसिकल यूज़ करिए हेल्थ के लिए भी अच्छे है या फिर वॉक uh, करके जाइए ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करिए जैसे सोलर कुकर हुआ सोलर लाइट्स यूज़ करिए जो हमारे रिनेबल रिसोर्सेज है विंड uh, जो पावर विंड हाउस है उनका यूज़ ज़्यादा करना चाहिए तो इससे आपका कंजम्पन जो है थोड़ा कम होगा ओके वुड फॉर चूल्हा लकड़ी चूल्हे के लिए चूल्हा होता है जिसपे एक गाँव में अर्दन एक मिट्टी का बनाया जाता है जिसपे आप खाना बनाते हैं दुर्गा लिव्ड इन विलेज इन हरियाणा दुर्गा हरियाणा के एक विलेज में रहती है हरियाणा अगेन यूपी से अटैच है कैपिटल है चंडीगढ़ चंडीगढ़ दो स्टेट्स की कैपिटल है हरियाणा एंड सेकेंड स्टेट चलिए आप मुझे बताइए चंडीगढ़ अकेला ऐसा आपका एक टाउन है जो यूनियन टेरिटरी भी है हमारी और दो स्टेट्स की कैपिटल भी है तो किन किन स्टेट्स की कैपिटल है एक तो हरियाणा मैंने बता दी सेकेंड आप बताएंगे कॉमेंट सेक्शन में एवरीडे शी स्पेंड मैनी आवर्स कलेक्टिंग वुड फॉर द चूल्हा हर रोज़ वो बहुत कई घंटों तक चूल्हे के लिए लकड़ी इकट्ठा करती है हर डॉटर ऑल्सो हैज़ टू हेल्प हर इन दिस उसकी डॉटर को भी उसकी हेल्प करनी पड़ती है इसमें फॉर द पास्ट थ्री मंथ्स शी हैज़ अ कॉफ पास्ट तीन महीने से उसको खासी है बहुत ज़्यादा देर इज़ अ लॉट ऑफ स्मोक वन डैम्प वुड इज़ बर्न जब आप गीले लकड़ी को बर्न करते हैं तो बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है आपने देखा होगा अगर आपने लकड़ी को जलते हुए देखा लकड़ी सूखी है तो अच्छे से जल जाएगी लेकिन अगर गीली है तो धुआं धुआं ज़्यादा रहता है वो अच्छे से बर्न नहीं हो पाती है जिसकी वजह से जो लेडीज़ हैं जो खाना बनाती है गाँव में उनको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं देर इज़ अ लॉट ऑफ स्मोक ओके बट दुर्गा डज़ नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन लेकिन दुर्गा के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है वैन देर इज़ नॉट इनफ मनी फॉर टू बाई फूड उनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो खाना ख़रीद सके वेर विल देयर बी मनी टू बाई वुड खाना खरीदने के लिए पैसे नहीं है तो लकड़ी खरीदने के लिए कैसे होंगे तो उनको वही जलानी पड़ती है भले हो या फिर कोई भी हेल्थ इश्यू हो तो ये तो लोगों की जनरली फाइनेंशियल प्रॉब्लम है इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता हैव यू एवर कलेक्टेड ड्राई वुड और काओडंगक क्या आपने कभी कलेक्ट किया काव वुड या केक तो कावडंगक uh, उपले जिसको हम बोलते हैं गांव में जो आपके काउ डंग से बनाए जाते हैं तो किया है तो बता दीजिए कैसे बनते हैं डू यू नो एनी वन क्या कि आप किसी को जानते हैं जो कि चूल्हे पर काम करता है उसके नाम आपको लिखना है तो ये क्वेश्चन तो आप ही के लिए है हु कुक फूड इन योर फैमिली ओके आपके घर में कौन खाना बनाता है अगर इफ़ यू कुक फूड यूजिंग वुड या उपला तो क्या डिफ़िकल्टी आती है ड्यू टू स्मोक स्मोक की वजह से क्या प्रॉब्लम आ सकती है अगर आप uh, खाना बनाते हैं चूल्हे पर तो टू स्मोक द स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम चूल्हा ड्यू टू बर्निंग ऑफ वुड और डंग केक्स कॉज सीरियस हेल्थ इश्यूज लाइक कॉफिंग नॉजिया हेडेक, एक इरिटेशन इन आइज एंड लंग डिजीज ये कुछ डिजीज हो सकती है चूल्हे से जो धुआँ आता है उसकी वजह से सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्या दुर्गा के पास कुछ और यूज करने का ऑप्शन है वुड के अलावा नहीं तो क्यों तो नहीं है उसके पास जैसा कि उसने बताया उसके पास खाना खरीदने के पैसे नहीं है तो वुड कैसे खरीदेगी वो सो so, नो no, दुर्गा कैन नॉट यूज़ एनीथिंग एल्स इंस्टेड ऑफ वुड बिकॉज शी इज टू पुअर वो बहुत ज़्यादा गरीब है टू बाय अदर कन्वीनियंट फ्यूल्स टू कुक फूड और जिनके पास है वो मिस यूज कर रहे हैं ये देखिए आप टुडे अबाउट टू थर्ड पीपल इन आर कंट्री यूज उपले वुड एंड ड्राई टू इक्स एट्सेट्रा इतने इंडिपेंडेंस के इतने दिनों बाद भी आज लोग इतनी गरीबी में रहते हैं इंडिया में कि इंडिया के टू थर्ड पॉपुलेशन अगर इंडिया की पॉपुलेशन को तीन पार्ट में डिवाइड कर दे तो उसमें से दो पार्ट्स अभी भी कावडंग uh, उपले जो होते हैं कावडंग और लकड़ी पे या फिर ड्राई जो ट्विग्स होती हैं उनके सूखी लकड़ियाँ जो होती हैं उन पर खाना बनाते हैं दीज आर यूज नॉट ओनली फॉर कुकिंग बट ऑल्सो फॉर कीपिंग वॉम ये सिर्फ uh, खाना बनाने के लिए नहीं यूज़ होती बल्कि अपने आप को गर्म रखने के लिए सर्दियों में आपने देखा होगा लोग आग तापते हैं फॉर हीटिंग वाटर पानी गर्म करने के लिए लाइटिंग और आग जलाने के लिए भी यूज़ होता है मैनी अदर थिंग्स आर यूज फॉर ऑल एक्टिविटीज़ एट होम और भी चीज़ें यूज होती है जैसे केरोसिन ऑयल एल पी जी कोल्ड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा ओके कंचा हैव सीन अ बार चार्ट कंचा ने एक बार चार्ट देखा इन अ बुक द चार्ट शोज नंबर ऑफ हाउसेज आउट ऑफ हंड्रेड दैट यूज़ ईच टाइप ऑफ हाउस फ्यूल सौ में से कितने लोग किस टाइप का फ्यूल यूज़ करते हैं इट ऑल्सो शोज द यूज़ ऑफ फ्यूल हैज़ इंक्रीज एंड विच फ्यूल हैज़ डिक्रीज ओवर पास ट्वेंटी ईयर्स पिछले बीस सालों में कौन सा फ्यूल इंक्रीज़ हुआ है कौन सा डिक्रीज़ हुआ है तो पहले मैं बता देती हूँ पढ़ना कैसे है इसको ग्राफ को ये ग्रीन जो ग्राफ है आपका ये बता रहा है कि उपले और लकड़ी टू नाइनटीन सेवेंटी सिक्स में एट पॉइंट सॉरी लोग आउट ऑफ हंड्रेड यूज़ करते थे लेकिन नाइनटीन में सेवेंटी हो गया यानी कि कुछ कम हुआ है नेक्स्ट एल देखिए पहले टेन लोग यूज़ करते थे अब अट्ठारह लोग कर रहे हैं एल पी जी कोल कोयला पहले पाँच लोग करते थे अब दो कर रहे हैं ये भी डिक्रीज़ हुआ है इलेक्ट्रिसिटी पहले एक करते थे अब पाँच कर रहे हैं फाइव आउट ऑफ हंड्रेड तो यानी कि थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है तो उपलैन बोर्ड डिक्रीज़ हुआ है कोल डिक्रीज़ हुआ है एल और केरोसिन और इलेक्ट्रिसिटी का इंक्रीज़ हुआ है बिकॉज ये वैसे तो हेल्थ पर इफेक्ट तो होता है लेकिन इतना ज़्यादा इनका नहीं होता है बिजली का uh, तो होता ही नहीं है एलपीजी से भी कम आपका पोल्यूशन होता है तो बाकी चीज़ें क्योंकि पोल्यूशन ज़्यादा होता है इसलिए लोगों ने इनको थोड़ा कम किया यूज़ करना क्वेश्चन है आपके लिए इन द ईयर नाइनटीन आउट ऑफ हंड्रेड हाउ मेनी हाउसेज यूज़ उपले नाइनटीन में कितने लोग उपले यूज़ करते थे तो एटी हमने देखा ये ग्राफ शो कर रहा है विच वॉज द फ्यूल यूज लीस्ट इन 1976 सेवनटी सिक्स नाइनटीन सेवनटी सिक्स में सबसे कम कौन सा फ्यूल यूज़ होता है था तो सबसे कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती थी 1976 में एल पी जी एंड केरोसिन कितना यूज होता था कितने घरों में सो नाइनटीन सेवेंटी में एल पी जी एंड केरोसिन टेन हाउसेज में यूज़ होता था जबकि 1996 में ये कितना बढ़ गया इन इंक्रीजेज़ अप टू 18 बढ़ गया अब आपको परसेंट निकालना है कि कितने परसेंट बढ़ा है तो परसेंटेज हम लोग कैसे निकालते हैं टेन से एटीन हो गया तो दैट मीन्स आठ इंक्रीज़ हो गया है नंबर ऑफ हाउसेस जो इंक्रीज हुए दैट वो एट है आपके डिवाइड कर देंगे आप जो पहले यूज होते थे टेन और मल्टीप्लाई कर देंगे हंड्रेड को इस तरीके से आप परसेंट निकालते हैं जितना इंक्रीज हुआ है डिवाइडेड बाय जितना पहले था और इन टू हंड्रेड तो जीरो से जीरो कैंसिल होगी टेन एट एट्टी यानी कि एट्टी परसेंट ये इंक्रीज हुआ है आपका ओके okay? सो so ये आपके आंसर्स हैं सॉरी इनको देख लीजिएगा इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना बताया हुआ है कि किस तरीके से आपको परसेंटेज निकालनी है नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउट ऑफ हंड्रेड हाउ many houses were यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी नाइनटीन नाइन्टी सिक्स आप ग्राफ देख के बता दीजिएगा एम जस्ट शोइंग यू दी आंसर आउट ऑफ हंड्रेड फाइव हाउसेज यूज़ कर रहे हैं और कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है फाइव में टोल इन टू हंड्रेड इस तरीके से आप इसका फाइव परसेंट फाइन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फाइंड आउट फ्रॉम एल्डर्स आपको आपके घर में बड़ों से बात करनी है और पूछना है कि वेन दे वर यंग जब वो यंग थे तो घर वो खाना किस चीज़ पर बनाते थे तो पहले के लोग जनरली जैसा बताया गया है लकड़ी पर और उस टाइम आपके उपले ज़्यादा यूज़ होते थे आस, या फिर कैरोसिन ऑयल यूज़ होता था एल पी जी और इलेक्ट्रिसिटी उतना यूज़ नहीं होता था या फिर कोयला पास दस ईयर में यूज़ ऑफ विच कुकिंग फ्यूल हैज़ इंक्रीज इन योर एरिया आपके एरिया में पिछले दस साल में कौन सा फ्यूल इंक्रीज़ हुआ ये तो सभी आंसर्स आपको खुद करने गेस करो कि नेक्स्ट टेन इयर्स की अगर हम बात करें तो कौन सा फ्यूल का यूज़ जो है वो इंक्रीज होने वाला है तो आई थिंक सी का इंक्रीज़ यूज़ डेफिनेटली इंक्रीज़ होगा लोग सी ज़्यादा यूज़ करेंगे बिकॉज पॉल्यूशन कम करती है ये ओके गवर्नमेंट भी थोड़ा सा इंसिस्ट करती है कि जितने कार्ड्स हैं आपकी उनमें सी किट लगवाई जाए ओके अब आपके लिए क्वेश्चन है इमेजिन करिए एक डाटा कंपनी आपको एक कंपनी ने चांस दिया कि आप कुछ व्हीकल डिज़ाइन करो जैसे एक मिनी बस होती है आप कैसा व्हीकल डिज़ाइन करोगे लिखो और चाहो तो उसकी एक पिक्चर ड्रॉ करके कलर भी करना है तो ये सजेस्टिव आंसर है वैसे तो आपको पता होगा आप कैसा डिज़ाइन करोगे आपके माइंड में ज़रूर कोई एक तरीका होगा कि मैं ऐसा बनाऊँगा लेकिन मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे देती हूँ आप बना सकते हो एक डिज़ाइन जो कि ध्यान रखना इस चीज़ का दैट कॉज नो और मिनिमम पोल्यूशन जो कि या तो पॉल्यूशन करे ही ना या फिर मिनिमम पोल्यूशन हो जिससे हाईली फ्यूल एफिशियट हो फ्यूल एफिशियट मतलब कल कम फ्यूल में ज़्यादा चले कम्फर्टेबल हो सभी के लिए स्पेशली बच्चों के लिए बड़ों के लिए और डिफरेंटली एबल्ड जो लोग होते हैं जो चल नहीं सकते या फिर uh, कोई और उनको प्रॉब्लम है फिज़िकली uh, उनके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए फॉर मेकिंग द डिज़ाइन वट हु डि यू प्लान टू टेक केयर ऑफ बूढ़े लोगों का आप कैसे ध्यान रखोगे बच्चों का जो लोग देख नहीं सकते उनका कैसे ध्यान रखोगे अपने व्हीकल को बनाने में उस मिनी बस को बनाने में. so, बूढ़े लोगों का हम ध्यान रखेंगे लो फ्लोर बनाएंगे सीट बेल्ट बनाएंगे कंफर्टेबल सीट बनाएंगे डोर के पास में सीट बनाएंगे ताकि ज़्यादा पीछे उनको ना जाना पड़े बच्चों के लिए लो फ्लो फ्लोर, फ्लोर होगा डोर विद चाइल्ड लॉक डोर होगा जो कि बंद हो जाए अपने आप सेपरेट सीट्स होगी अडाप्टेड फ्राम फोर स्मॉल किट छोटे बच्चों के लिए डोर्सू कैन नॉट सी जो देख नहीं सकते लो फ्लोर डोर्स विद टेक, टेक्टाइल सेंसर एंड स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ सीट्स नियर द डोर टेक्टाइल सेंसर हमारा वो होता है जो फिजिकल जो आपका थोड़ा सा भी फिजिकल उसको टच मिलेगा तो उसके प्रति वो सेंसिटिव होता है थोड़ा सा जैसे आपने हाथ लगाया दरवाजा खुल गया अंदर से किया तो बंद हो गया इस तरीके से ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लुक आउट फॉर न्यूज़पेपर में आपको देखना है और कुछ रिपोर्ट्स कलेक्ट करनी है ऑयल के रिगार्डिंग और यहाँ पर आपको एक पोस्टर बनाना है एक मैसेज लिखना है फ्यूल को सेव करने के लिए स्लोगन भी लिखना है ओके okay, तो uh, इस तरीके से आप एक पोस्टर बना सकते हैं एड आप कि फ्यूल सेव करिए कोई स्लोगन लिख सकते हैं अपनी तरफ से सेव फ्यूल सेव वाटर एंड आप इस पोस्टर को कहाँ लगाएंगे ये भी पूछा हुआ है तो इस पोस्टर को आप ट्रैफिक सिग्नल पे लगा सकते हैं ताकि लोग देखें फिर पेट्रोल पंप के नियर लगा सकते हैं जैसे कि आपके चैप्टर में हुआ भी है सो दैट्स ऑल ये आपका चैप्टर था आई एम श्योर sure चैप्टर आप सभी को समझ में आ गया होगा किस तरीके से फ्यूल हमें यूज़ करना है क्यों ज़्यादा यूज़ नहीं करना है क्या उसके नुकसान है सो नेक्स्ट इसकी एक वर्कशीट आएगी एंड देन देर विल बी अ क्विज़ तो आप सब तैयार रहेंगे क्विज़ के लिए वर्कशीट जरूर देख लें क्योंकि उसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कवर करते हैं सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग